हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोमिनो टोरिया सेवन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा की अपकमिंग सेवन सीटर एसयूवी के बारे में। जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा जल्दी इंडियन मार्केट में अपनी सेवन सीटर एसयूवी लाने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एसयूवी N7X कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, यानी कि होंडा BRV को जल्दी इंडियन मार्केट में लाया जाएगा। होंडा BRV एशियन मार्केट में काफी ज्यादा सफल एसयूवी रही है। होंडा BRV सेकंड जनरेशन एक नए लुक के साथ पेश की गई है, जो पिछले मॉडल से अलग है, जो बंद होने से पहले भारतीय बाजारों में भी उपलब्ध थी। सेकंड जनरेशन होंडा BRV में काफी सारे मॉडर्न फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में आने वाली होंडा BRV की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन पावर, सभी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं होंडा BRV के एक्सटीरियर से। नई होंडा BRV काफी हद तक N7X कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। होंडा ने कुछ ऐसा ही प्रयोग नई होंडा सिविक के साथ भी किया है। पिछले BRV की तरह नई कार भी होंडा सिटी के साथ अपना आधार साझा करती है। अपने नए अवतार में सेवन सीटर वाली होंडा SUV पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग है। होंडा BRV के फ्रंट की बात करें तो काफी बोल्ड लुक के साथ देखी जा सकती है। इसमें स्वैप LED हेड लैंप के साथ इंटीग्रेटेड LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई है। फ्रंट में दोनों तरफ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स स्ट्रिप भी दी गई है। इस SUV में एक धीमी ढलान वाली रूफ लाइन और एक प्रमुख शोल्डर लाइन मिलती है, जो न्यू जनरेशन होंडा सिटी की याद दिलाती है। SUV के पीछे की तरफ इसमें यू आकार की ब्लैक लाइट के साथ स्लीक रैप राउंड LED टेल लाइट दी गई है। साइड से आप इसको देखें तो आपको 17 इंच के एलो व्हील्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की ओर आपको शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल देखने को मिल जाएंगी। और ओवरऑल लुक की बात करें तो काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ इस सेवन सीटर SUV को पेश किया गया है। नई होंडा BRV का ग्राउंड क्लियरेंस भी पिछले मॉडल की तुलना में बढ़ाया गया है। नई होंडा BRV की ऊंचाई 220 mm है, जो कि पिछले मॉडल की तुलना में 20 mm ज्यादा है। और इस होंडा BRV में आपको होंडा लैंड वॉच, रिमोट इंजन स्टार्ट, वॉक एंड ऑटो लॉक और स्मार्ट एंट्री सिस्टम जैसे फीचर्स टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं होंडा BRV में मिलने वाले इंटीरियर की। होंडा BRV में आपको प्रीमियम क्वालिटी के लेदर सीट्स, सॉफ्ट ड्यूल टोन डैशबोर्ड, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें आपको 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले के साथ एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक AC, ऑटो फोल्डेबल ORVM जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसी के साथ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई होंडा BRV में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ लैंड वॉच सिस्टम और RDM यानी कि रोड डिपार्चर मिटिगेशन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम, कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लैंड कीपिंग असिस्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसी के साथ ही एयरबैग्स, ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे अन्य सुविधा फीचर्स भी दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यू होंडा BRV में मिलने वाले इंजन की। नई 2021 होंडा BRV में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IVT-EC पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह दरअसल वही इंजन है जो इंडिया स्पेक होंडा सिटी में इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन आपको 6600 RPM पर 119 BHP का पावर और 4300 RPM पर 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको CVT ऑटोमेटिक और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं होंडा BRV की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों, होंडा BRV को 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लाया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो अराउंड 22 लाख के करीब रखी जाएगी। तो दोस्तों, क्या यह कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, थैंक यू अंत तक देखने के लिए।